नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज संसद में श्वेत पत्र पेश कर सकती है सरकार। आपको जानकारी देते चलें कि आज पेश हो सकता है श्वेत पत्र और अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश कर सकती है सरकार। ये जानकारी अब तक ऊपरी तौर पर मिल रही है। यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र, वित्त मंत्री अंतरिम बजट के दौरान ये ऐलान किया था वित्त मंत्री ने, और राज्यसभा में अंतरिम बजट पर भी चर्चा होनी है तो उस पर भी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा होगी तो उस पर भी नजरें रहेंगी लगातार कि किस प्रकार की चर्चा सदन में रहती है। तो देखना होगा कि राज्यसभा में किस प्रकार की चर्चा रहती है। उधर श्वेत पत्र को लेकर के क्या कुछ सामने आता है वो देखना होगा। वित्त मंत्री ने क्योंकि इसका पहले ही जिक्र किया था, ऐलान कर दिया था निर्मला सीतारमण ने, अंतरिम बजट के दौरान ही इसका ऐलान किया था। तो अब यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक जो स्थिति है उस पर श्वेत पत्र पेश कर सकती है सरकार, ये जानकारी अभी तक मिल रही है। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आज संसद में देखने वाली बात ये रहेगी कि श्वेत पत्र कहा जा रहा है कि सरकार पेश कर सकती है। देखिए, बिल्कुल, संसद का बजट सत्र चल रहा है और जिस तरीके से वार पलटवार चल रहे हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वार किया है राज्यसभा में, जब उन्होंने अपना भाषण दिया राष्ट्रपति अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, यूपीए सरकार, तत्कालीन यूपीए सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनी थी उस पर बहुत जबरदस्त हमला बोला गया था अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। जिस तरीके से कुप्रबंध हुआ इसके लिए यहाँ पर अब अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई है, जबकि सरकार, उनकी सरकार ने कोरोना संकट से बखूबी निपटते हुए अर्थव्यवस्था को यहाँ पर पटरी पर लाने में मदद की है, साथ ही महंगाई से निपटने में उनकी सरकार कामयाब रही है, ये दावे किए गए केंद्र सरकार की ओर से। इसके अलावा जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तब वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि जो यूपीए सरकार, तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन रहा है उसको लेकर एक श्वेत पत्र लाएगी केंद्र सरकार। तो आज ये संभावना है कि श्वेत पत्र सरकार पेश करेगी। कल ही हमने देखा है कि जो अंतरिम बजट कल लोकसभा में पारित हुआ, इस पर आज राज्यसभा में भी चर्चा होनी है, उस दौरान भी अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर तत्कालीन यूपीए सरकार पर हमला बोला गया था। तो आज एक श्वेत पत्र के जरिए यहाँ पर सरकार कुप्रबंधन और यूपीए सरकार के दौरान जो अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने में नाकाम रही तत्कालीन सरकार, उसका व्हाइट पेपर वो जारी कर सकती है, इस तरह की खबरें हैं। सदन में क्या रणनीति होगी वो साफ होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस की रणनीति है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और नेता विपक्ष भी है राज्यसभा में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि ब्लैक पेपर इसके जवाब में विपक्ष की ओर से लाया जाएगा, यानी वो भी 10 साल के शासन के दौरान मोदी सरकार के ब्लैक पेपर अर्थव्यवस्था को लेकर जारी करने वाले हैं। तो ये एक नया वार प्लट देखने को मिलेगा, जबकि एक दिन के लिए और सत्र बढ़ाया गया है, यानी 10 तारीख तक अब चलना है, पहले 9 तारीख तक था। तो ये माना जा रहा है कि इसीलिए, क्योंकि चुनावी टाइमिंग है, इसलिए यहाँ पर तत्कालीन यूपीए सरकार को घेरने के लिए, विपक्ष पर वार करने के लिए सरकार ने रणनीति बदली है और अब विपक्ष ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है, इसलिए ब्लैक पेपर लाने का ऐलान वो कर सकते हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। कुछ देर बाद ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन व्हाइट पेपर का जवाब ब्लैक पेपर होगा, ये तस्वीर बनकर उभर रही है और उसमें संसद में एक नया सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, संसद में सियासी घमासान देखने को मिल सकता है, सही कहा आपने प्रदीप जी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी आज चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल, और जब ये लाया गया था इस पर लोकसभा में चर्चा हुई थी तब इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही सरकार ने। जम्मू कश्मीर में आज अमन है, शांति है, सरकार की पहल की वजह से विकास के एजेंडे पर काम हुआ है, धारा 370 हटने के बाद वहां पर वंचित वर्ग के लिए काफी कामकाज हुआ है। इसके अलावा जो आरक्षण की व्यवस्था उसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने जो एक जवाबी हमला बोला था उसमें उन्होंने नेहरू के विरोध का जिक्र किया था और उसके बाद आरक्षण विरोधी कांग्रेस को ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि आरक्षण उनकी सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है। तो सिर्फ गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये बयान दिए हैं, ये कांग्रेस ने आरोप लगाए थे। ये जरूरत है, अब जब हम देख रहे हैं कि सत्र अपने आखिरी चरण में पहुंचता नजर आ रहा है, फाइनेंस बिल जो अंतरिम बजट है वो यहाँ पर, इस पर चर्चा हुई थी लोकसभा में और उसके बाद अब राज्यसभा में नजरें लगी हैं, लेकिन एक दिन के लिए और सत्र बढ़ा है। इस बीच
व्हाइट पेपर के जरिए सरकार विपक्ष पर हमला बोलने की तैयारी में है, आर्थिक कुप्रबंधन तत्कालीन यूपी सरकार के दौरान, तो वहीं इसके जवाब में ब्लैक पेपर लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। 10:30 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये माना जा रहा है कि नया टकराव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावी टाइमिंग है, लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोनों एक दूसरे पर हमला बोलेंगे, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, और इसमें एक नया टकराव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, किस तरह का टकराव देखने को मिलेगा वो तभी पता चलेगा जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप।